प्रशासनिक कोई मदद नहीं मिला है। कुछ के दिक्कत है यहाँ तो, खाने पीने का दिक्कत है, बैठने सुतने का दिक्कत है, सब कुछ का दिक्कत है। समस्तीपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से 220 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण जिले के 3 प्रखंड मोहनपुर, मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर के दर्जनों पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर गया है। आवागमन पूरी तरह ठप हो गई। इन इलाकों में नाव ही एकमात्र साधन है। पिछले 5 दिनों से क्षेत्र के लोग बाढ़ से परेशान हैं। बाढ़ की बेबसी के बीच ऐसी तस्वीर सामने आई जहां जिंदगी संघर्ष के बाद भी संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गंगा नदी से आई बाढ़ की बेबसी ऐसी है कि लोग दाने दाने को मोहताज हैं। जिला प्रशासन के लिए मदद के लिए लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन जिला प्रशासन आपदा के नाम पर खाना पूर्ति करने में लगी है। लोग पलायन करने को मजबूर है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कोई मददगार आएगा जो हमारी मदद करेगा, लेकिन गंगा नदी की बेबसी के सामने सभी बेबस नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन यह बतला रही है कि मदद की जा रही है, लेकिन लोगों के घरों में घुसा पानी यह तस्वीर बतला रही है कि जिला प्रशासन कितना मदद कर रही है। लोग बताते हैं कि 2 जून खाने के लिए भी हम लोग तरस जाते हैं, नाव का सहारा नहीं है, सिर्फ एक डेंगी मिल जाता है तो किसी न किसी रूप में वहाँ ऊंचे जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन मददगार नहीं। कौन सा पंचायत है ये, यहाँ क्या कुछ परेशानी हो रही है, बताइए। ग्राम पंचायत राज डुमरी दशनी है। क्या कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी तो जो है से आज तक जो है से 4-5 दिन से स्थिति पानी का हो गया है, और हमारे परिवार का लोग सारा जर्जर स्थिति में है। बाल बच्चा से जो है से सब ऊपर धरा है। यहाँ से प्रशासनिक कोई मदद नहीं मिला है। बहुत अधिक अथी भेल है, पानी बहुत होल है, निकलने में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो अभी क्या साधन है? कोई साधन नहीं है, नैया है रखे हुए है, आना कभी कभी दिक्कत हो। सरकारी नाव है क्या? हाँ सरकारी। परेशानी तो पानी के लिए का बहुत परेशानी है, बाढ़ बहुत आ गया, सब कुछ के दिक्कत है। यहाँ तो खाने पीने का दिक्कत है, बैठने सुतने का दिक्कत है, सब कुछ का दिक्कत है। बक्सा से पानी का बढ़ोतरी 3-4 दिन से, 4-5 दिन से है। पीने के पानी के लिए क्या करते हैं? पानी पीने के लिए अब दूसरे के कल तो सब तो डूब गया, पानी के अंदर चल गया, कहाँ से पीता है, ना तो वहाँ रहता है, ऐसा ही यही पानी पियो। घरों में तो चूल्हा भी डूबा हुआ, सब कुछ डूबा हुआ है। कोई खाने पीने के चूड़ा लाने जाते हैं तो डेंगी नहीं रहता है, तो बांधे पर रह जाते हैं, उधरे बैठा रहता है, फिर कल होकर आता है। जिला चूड़ा और गुड़ से ही गुजर बसर हो? हाँ हो रहा है, न तो कोई उपाय नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं आया है।